बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में खुशामदीद। रात का भी टाइम हो रहा है तो दोस्तों मुझे पता लगा कि मुर्गी का जो एक अंडा है उसके अंदर चूजे ने जो है वो चूंच मारना शुरू कर दिया। अभी आपको अंधेरे में लेके जाके दिखाएंगे कि कैसे वो चूंच मार रहा है, तो उसकी मदद भी करेंगे अंडा तोड़ने में। तो अभी दोस्तों आपको दिखाते हैं अंधेरे में जाके कि क्या सूरत हाल है। ये अंडा है दोस्तों, इसके अंदर जो चूजा है वो चूंच मार रहा है शेल को। दोस्तों मुझे तो काफी खुशी हो रही है कि हमारे जो मुर्गे हैं वो अब अंडे से निकलना शुरू हो गए हैं और कल तक और भी निकल आएंगे। दोस्तों असील जो हैं हमारे वो जाया हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गोल्डन चूजे भी तो चूजे हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि कैसे हम वो चूजा निकालते हैं। दोस्तों अभी आप जैसे देख सकते हैं कि चूजा अंदर बहुत ज्यादा हरकत कर रहा है, तो ताकि ये मर ना जाए इसलिए हम इसको जो है शेल में से थोड़ा इसका सुराख कर देंगे, क्योंकि अंदर जो थोड़ी सी ऑक्सीजन होती है वो फिर ख़त्म हो जाएगी तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसे बाहर निकला नहीं जा रहा। तो हम इसकी थोड़ी सी मदद करते हैं, आए चलिए इसका ख्याल को थोड़ा सा सुराख कर देते हैं। दोस्तों अंदर जो चूज़ा मौजूद है देखें, आप नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके ये चूँच है। तो देखिए दोस्तों आपको इसकी चूँच नज़र आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा अंदर हरकत कर रहा है, तो हमने सोचा इसके जो है शैल इसको थोड़ा सा तोड़ दें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा खुला भी कर देंगे। दोस्तों हमने रोशनी कर दी है कमरे में और अभी हम अंडे को ऊपर से थोड़ा सा तोड़ देंगे। भाई आराम से करना, हो गया है ना नजर आ रही है तो। दोस्तों हमने यहाँ छोटा सा सुराख कर दिया है, यहाँ से सांस आती रहेगी नीचे और कल तक इंशाल्लाह दोस्तों ये निकल आएगा अंडे से बाहर। इसकी चूंच नजर आ रही है यार, कितनी प्यारी छोटी सी चूंच नजर आ रही है इसकी, काले कलर की, कितना प्यारा चूजा होगा यार। मुझे तो क्यूरियोसिटी हो रही है कल को कब निकलेगा ये बाहर, इसको देखें हम। दोस्तों चूजे का शेल हमने तोड़ दिया है, कल तक वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा और आपको कल दिखाएंगे कि वीडियो के कितने चूजे निकले कितने नहीं, तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक। यार एक बुरी खबर है कि जो अंडा हमने अभी तोड़ा है वो मुर्गी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं आपको दिखाता हूँ अंडा, ये टोकरी के नीचे रखा हुआ था, दोस्त मैंने इसके आगे रखा था, उसने यहाँ चूंच मार दी और पता नहीं ये बचता है कि नहीं बचता। दुआ करें दोस्तों ये बच जाए, एक दफ़ा ये निकल आए अंडे से फिर हम इसको खुद ही पाल लेंगे, क्योंकि ये तो उसको लेने ही नहीं, पता नहीं इसको लग रहा किसी और का अंडा, तो पता नहीं क्या हो गया। मत ले ले अंडा यार, तेरा ही अंडा, अभी तेरे से दिल ले के गया हूँ। तो यार अभी मैंने वो अंडे के ऊपर जो टोकरी रख दी है बिल्ली वगैरह से बचने के लिए, तो इसको गर्मी की ज़रूरत नहीं, कल तक ये निकल आएगा। देखें दोस्तों हिल रहा है हल्का हल्का, उम्मीद है कि ये बच जाएगा। और कितने अंडे निकल आए हैं कल, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे निकल आएंगे, तो कल आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया था तो मुझे पता चला कि दोस्तों हमारा जो चूजा है वो अंडे से निकल चुका है, तो आपको भी दिखाते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये हमारा चूज़ा है, बिल्कुल ब्लैक दोस्तों, बहुत ही प्यारा चूज़ा है, देखें दोस्तों माशाल्लाह फुल ब्लैक दोस्तों, उम्मीद है कि ये फुल ब्लैक निकलेगा अभी बिल्कुल। देखें दोस्तों इसके पैर भी ब्लैक हैं यार, अल्हा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा एक अंडा है उसमें से आखिर का चूज़ा निकल ही आया, लेकिन बाकी जो अंडे हैं वो ज़ाया हो गए, असील अंडे भी वो तो इसने वैसे ही खा लिए थे, और जो दूसरे अंडे इसके नीचे रखे थे दोस्तों वो उनमें से एक चूज़ा ही निकल पाया है। और बाकी अभी हम देखते हैं, मुर्गी उठा देते हैं दोस्तों, गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो हम सोचें कि बाकी अंडे ख़राब हैं तो मुर्गी उठा देते हैं, एवं दोस्तों बैठी रहेगी ये। तो अभी दोस्तों इसको दोस्तों रात को हमने इसके सामने रख के देखा था इसका चूज़ा, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी दोबारा कोशिश करेंगे इसके पास रखने की, शायद ये दोस्तों एक्सेप्ट कर लें। और चूज़े का दोस्तों नाम भी सजेस्ट करें, हम उस चूज़े का क्या नाम रखें। दोस्तों हमारे फार्म पर पहला गोल्डन चूज़ा आया है, तो उसका हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई इसका नाम रखें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसका हम नाम क्या रखें। दोस्तों अभी पहला अंडा हमारे पास आ चुका है, इसमें देखते हैं कि कोई
मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई यार रात को कैंडलिंग तो की थी इनके, इनके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं दोस्तों, आवाज भी नहीं आ रही चूजे की, वैसे ही कंफर्म कर रहा था, तो अभी इसको जाया कर देते हैं। तो दोस्तों अंडों को मुर्गी के नीचे रखे 21 दिन से ज्यादा ही हो चुके हैं और ये चूजा तो दोस्तों हमारा टाइम पर निकल आया, लेकिन बाकियों में भी कुछ हरकत वगैरह हो रही है, तो हम ये डाउट है मुझे कि शायद वो जिंदा है या मुर्दा, तो हम इनको एक दो दिन और दे के देखेंगे, चूजे निकलना हुए तो निकल जाएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर दोस्तों ये ज़ाया कर देंगे अंडे और मुर्गी को भी उठा देंगे। अभी दोस्तों हमारा जो ये चूज़ा है छोटा सा, इसको हम पहली फीड करवाएंगे गुड़ वाले पानी से। तो अभी मैं बिल ना खिलाया था दोस्तों, इसकी मुर्गी तो इसको पाल नहीं रही। ईयर स्ट्राइक कैसे भेजेगा यार, इसमें डाल ले इसको, इस ढक्कन में डाल ले थोड़ा सा, ठहर बहुत है, इसको पिला के देखते हैं, पता नहीं ये पीना जानता भी है कि नहीं। ओए इसको छोड़ छोड़ इसको इधर रख के पिला, इधर रख के पीता है, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रहा है पानी पीता हुआ। अभी ठीक से दोस्तों खड़ा नहीं है, अभी नया नया निकला है, इसका अभी पर भी सूखे नहीं, माशाल्लाह दोस्तों। जैसे कि हमने पहले फीड भी करवा दी और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मुर्गी को दिखाऊँ थोड़ा सा इसको, शायद ये उसको अपने साथ रख ले, नहीं तो फिर दोस्तों हमें खुद इसको पालना पड़ेगा। आज दोस्तों इसको यही गुड़ वाला पानी देंगे और कल इसको दलिया वगैरह देंगे, कोई नरम गज़ा और छोटी, कोशिश करेंगे कि इसको दें। यार खुडे में इतना पानी क्यों खड़ा हुआ है? पर ये हमारे जो खुडे में है गाइस, काफ़ी सारा पानी खड़ा हो चुका है, तो आज इनको तरोका लगाया था, मैं लगता है दोस्तों इन्होंने अपना पानी अंदर गिरा लिया है। कोई नहीं दोस्तों, इतने के पानी की खैर होती है, वैसे भी गर्मी नहीं यार, ये तो वो वहाँ से वो तो फंगस बन जाएगा, बीमारी आ जाएगी इनको। नहीं दोस्तों कल तक ये उम्मीद है कि खुशक हो जाएगा, गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है तो उम्मीद है कल तक ये खुशक हो जाएगा। जिस मुर्गी ने हमारी दूसरा अंडा भी दे दिया है और माशाल्लाह दोस्तों ये रोज रेगुलरली अंडे दे रही है, अगर दोस्तों ये पानी कुछ नहीं होगा तो इसकी तूड़ी बदल देंगे, कल तक देखते हैं, अगर पानी कुछ नहीं होता तो इसकी तूड़ी बदल देंगे। दोस्तों इसने पानी पी लिया है, अब इसको मुर्गी को दिखाते हैं, देख पूरी तरह मुर्गों से भी बचा के, ये इनको लग रहा है कि कोई नई चीज़ है, ये इसकी तरफ फौरन ठहर जाए, इनको बंद कर, फुल उसने बाल खड़े कर दिए हैं, पता नहीं कोई अजीब सी चीज़ आ रही है दोस्तों, मुझे लगता है कि मारेगी। नहीं 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 रखना, मुर्गी हमारी नहीं ले रही, तो मुझे तो लगता है कि हमें इसके खुद ही पालना पड़ेगा, इसका कोई नाम भी रखते हैं और अच्छा सा इसका कोई नाम रखते हैं, सजेस्ट मुझे करें कि क्या नाम रखें इसका, और इसको खुद पालेंगे इंशाल्लाह। मुर्गी तो अभी नहीं यार, वैसे मुझे मिस्ट्री लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है जैसे सील बच्चा, ये भी दो तीन एक तकरीबन एक माह बाद डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या है मिस्ट्री है क्या है। अभी दोस्तों इसको रख देते हैं, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।